और टी20 वर्ल्ड कप में भारत आज अपना पहला वार्म अप मैच खेलेगा। टी20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को भारत से होने वाले मुकाबले से पहले ही पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को उनके ही देश के फैंस धमकी दे रहे हैं। कल क्वालिफायर राउंड में हुए मुकाबले में स्कॉटलैंड ने उलटफेर करते हुए बांग्लादेश को हरा दिया। एक दूसरे मुकाबले में ओमान ने पापुआ न्यू गिनी को 10 विकेट से हरा दिया। अब टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 टी20 वर्ल्ड कप। टी20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले आज भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। वार्म अप मुकाबला दुबई में शाम 7:30 बजे से होगा। वार्म अप मुकाबलों के जरिए टीम इंडिया अपनी तैयारियों को परखेगी। 20 अक्टूबर को भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। टी20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले से पहले ही पाकिस्तानी फैंस की टेंशन बढ़ गई है। वर्ल्ड कप में हर बार भारत के हाथों हारने वाले पाकिस्तानी टीम को सोशल मीडिया में धमकी मिल रही है। एक यूजर ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को ट्विटर के जरिए धमकी दी है कि 24 अक्टूबर वाला मैच जिता देना वरना घर नहीं आने देंगे। टी20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर राउंड में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला अबू धाबी में दोपहर 3:30 बजे से आयरलैंड और नीदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा। नीदरलैंड्स की टीम उलटफेर करने की क्षमता रखती है, लेकिन आयरलैंड को भी बड़ी टीमों और विश्व कप में खेलने का अनुभव है। दोनों टीमों को पता है कि अंतिम 12 में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी है। टी20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर राउंड में आज दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे नामीबिया और श्रीलंका के बीच होगा। 2014 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली श्रीलंका की टीम की हालत कुछ सालों में ऐसी हो गई है कि आज उसे क्वालिफायर राउंड में खेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ नामीबिया ने 18 साल पहले वनडे वर्ल्ड कप में खेला था, उसके बाद वो किसी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है। टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन ही बड़ा उलटफेर हो गया है। क्वालिफायर ग्रुप बी के दूसरे मुकाबले में स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को 6 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 9 विकेट पर 140 रन बनाए। क्रिस ग्रीव्स ने 28 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली। जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 134 रन ही बना सकी। स्कॉटलैंड के क्रिस ग्रीव को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन टीम के बल्लेबाजों ने निराश किया। स्पिनर मेहदी हसन ने 3 जबकि शाकिब अल हसन और मुस्तफिजुर ने 2-2 विकेट लिए। स्कॉटलैंड ने एक वक्त 45-53 के स्कोर के बीच 5 विकेट गवा दिए, लेकिन इसका फायदा बांग्लादेश नहीं उठा पाया। शाकिब अब टी20 में सबसे ज्यादा 108 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। स्कॉटलैंड के खिलाफ हार के बाद बांग्लादेश के लिए टी20 वर्ल्ड कप के स्टेज ग्रुप 12 में पहुंचने की राह थोड़ी मुश्किल हो गई है। बांग्लादेश की हार से एक और बात साफ हो गई है कि अगर बांग्लादेश ने क्वालिफाई किया भी तो वो ग्रुप ए में पहले नंबर पर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश अब स्टेज 12 में भारत के ग्रुप 2 में जगह नहीं बना पाएगा। टी20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर राउंड में कल खेले गए पहले मुकाबले में ओमान ने पापुआ न्यू गिनी को 10 विकेट से हरा दिया। पापुआ न्यू गिनी ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 129 रन बनाए। ओमान ने जीत का लक्ष्य बिना कोई विकेट गवाए 14वें ओवर में हासिल कर लिया। ओमान की जीत के हीरो रहे पंजाब के लुधियाना में जन्मे जतिंदर सिंह। जतिंदर ने 73 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इस पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। जतिंदर सिंह शिखर धवन के जबरदस्त फैन हैं। वो मैदान में उन्हीं की तरह बल्लेबाजी करते हैं और फील्डिंग के दौरान जश्न मनाने का अंदाज भी धवन जैसा ही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।